तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जेमित न्यूटिसन के ट्यूबुलस टेरिस्ट्रिस के बारे में या गोक्सुरा के बारे में। गोक्सुरा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, डोजेस कितना लेने चाहिए एंड साइड इफेक्ट, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। ट्यूबुलस टेरिस्ट्रिस एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि ग्रो होता है वाइल्ड एरिया में। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप के कुछ स्थानों में ट्यूबुलस टेरिस्ट्रिस ग्रो होता है। इस प्लांट के रूट एंड फ्रूट्स दोनों ही यूज होते हैं चाइनीज मेडिसिन एंड इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन में। छोटे पत्ते वाला इस प्लांट को बहुत से नामों से जाना जाता है, गोक्सुरा, कालट्रॉप, गोडसेड एक्सेट्रा। इसके अंदर फाइटोस्टेरॉइड, फ्लावोनॉइड, सपोएंस, अल्कालॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स मौजूद होते हैं। कई सालों से इस हर्ब्स को यूरिनरी डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, प्रोस्टेट ग्लैंड डिसऑर्डर, हार्ट प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर जैसे इन सारे प्रॉब्लम्स में यूज होता है। ट्यूबुलस टेरिस्ट्रिस बॉडी बिल्डिंग में हेल्थ सप्लीमेंट में यूज किया जाता है। एथलेटिक बॉडी बिल्डर इसे यूज करते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने के लिए, जिससे उनका एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, मसल मास, मसल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। गोक्सुरा को कौन यूज कर सकता है? जिनका लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, पुअर फर्टिलिटी, लेस स्पर्म काउंट एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक्सेट्रा, ये सारे लोग गोक्सुरा को यूज कर सकते हैं। यह मेन एंड वुमेन दोनों के लिए फायदेमंद है, दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए यूजफुल है। दोस्तों, आप बात करते हैं गोक्सुरा के बेनिफिट्स के बारे में। इसका सबसे पहला फायदा है, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन मेन हार्मोन होता है, ये हार्ट को हेल्दी रखता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, लीन मसल मास को इंक्रीज करके फैट्स को बर्न करता है, ये बोन्स को हेल्दी रखने में मदद करता है, मूड इंप्रूव करता है एंड सेक्स ड्राइव को बेटर बनाता है। दोस्तों, बॉडी बिल्डर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए वेरियस टाइप के टेस्ट बूस्टर यूज करते हैं। सिंथेटिक हार्मोन को यूज करने के बाद, मतलब स्टेरॉइड साइकिल को चलाने के बाद, ट्यूबुलस टेरिस्ट्रिस को यूज करते हैं नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए। क्योंकि ट्यूबुलस में प्रोटोरायसिन मौजूद होने के कारण से ये हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में। गोक्सुरा मसल मास को इंक्रीज करता है एंड मसल टिश्यू को रिपेयर करता है। ये बॉडी को कॉन्स्टेंट एनाबॉलिक स्टेट में रखता है, जिनसे लीन मसल मास इंक्रीज होता है एंड फैट्स बर्न होते हैं। ये लिबिडो को बूस्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन लो होना लो लिबिडो का मेन कारण है। गोक्सुरा टेस्ट लेवल को बूस्ट करता है तो लिबिडो ही बूस्ट होता है एंड सेक्स ड्राइव बेटर होते हैं। ये ग्रेट प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की तरह यूज होने वाला चीज है। लगभग सभी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में कैफीन होते हैं, उनके मात्रा ज़्यादा होने से रात को नींद ना आने की वजह बन जाता है। अगर आपको इन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की लत एक बार लग जाए तो उसके बिना आप नेक्स्ट डे वर्कआउट कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप गोक्सुरा को यूज़ करते हैं प्री वर्कआउट के हिसाब से, तो ये मेंटल फोकस इंप्रूव करने के साथ साथ एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करता है। स्टडीज में पाया गया, जिन लोगों को 6 वीक तक ट्यूबुलस दिया गया, उनके स्पर्म मोर्टेलिटी लेवल इंप्रूव हुए एंड स्पर्म सेल्स मोर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्गर हुए। जो लोग 500 mg ट्यूबुलस डेली लेते हैं, उनमें ज़्यादा इंप्रूवनेस देखा गया है स्पर्म मोर्टेलिटी लेवल में। गोक्सुरा स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। दोस्तों, जितने ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतने ही अच्छे से हम वर्कआउट को फिनिश कर पाएंगे। ये फैट लॉस में काफ़ी मदद करता है। ट्यूबुलस से एनर्जी लेवल इंक्रीज होने के कारण से लॉन्ग टाइम तक वर्कआउट कर सकते हैं, जिनसे हमारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होते हैं। जिन लोगों के स्पर्म जल्दी रिलीज हो जाते हैं, वो ज़रूर ट्यूबुलस को यूज़ कीजिए। यह सेक्सुअल हेल्थ डिसफंक्शन प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। यूरिन को बॉडी से बाहर आने के समय पेन को भी कम करता है। ये यूरिनरी ट्रैक को भी क्लीन रखता है। एक स्टडीज के मुताबिक 98 वुमेन को जो टाइप 2 डायबिटीज में सफर कर रहे हैं, उन लोगों को 1000 mg ट्यूबुलस टेरिस्ट्रिस पर डे दिया गया। 3 मंथ के बाद उन लोगों के ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी कम हुए। काफ़ी सारे एनिमल स्टडीज को किया गया, जिनसे पता चला ये ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है एंड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डोजेस की। पर डे आप 250 mg से 500 mg तक ट्यूबुलस टेरिस्ट्रिस ले सकते हो। हालांकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी अगर आप ओवरडोज करेंगे तो स्टमक क्रैम्प्स एंड रिफ्लेक्स हो सकते हैं। दोस्तों, गोक्सुरा को आप कंटिन्यूस 3 महीने तक यूज कर सकते हो। उसके बाद 30 से 45 डेज तक रेस्ट देंगे, उसके बाद फिर आप चालू कर सकते हो। तो ये रहा गोक्सुरा, मतलब ट्यूबुलस टेरिस्ट्रिस के बारे में। जेनित न्यूट्रिशन का ट्यूबुलस टेरिस्ट्रिस अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप
and never miss another update.